अनुचेतन कठेरिया, लोग इसे तांत्रिक, मौलवी, लकी, ना जाने किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शख्स जितने नाम बदलता है उतने ही रूप भी बदलता है। मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला अनुचेतन कठेरिया अब तक 5 शादियां कर चुका है और 6वीं शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी 5वीं बीबी ने उसका भंडा फोड़ कर दिया और 6ठी शादी की तमन्ना दिल में लिए तांत्रिक सीधे सलाखों के पीछे पहुँच गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवा धारण करने वाला ये शख्स अनुचेतन कठेरिया, जब कानपुर पुलिस ने इस शख्स को दबोचा और इसकी कुंडली खंगालने लगी तो आपको यकीन नहीं होगा ये बाबा कितना बड़ा ढोंगी निकला। पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इस बाबा की सच्चाई परत दर परत सामने आती गई और फिर पता चला जिस अनुज को लोग बाबा समझ रहे थे वो निकला नंबर 1 जालसाज। फर्जी शादियों का शौकीन बाबा, अब तक 5 शादियां कर चुके इस ढोंगी बाबा ने हाल ही में साल 2019 में एक प्राइमरी टीचर से शादी की, जिसके पिता तो रिटायर्ड सरकारी अफसर थे ही, भाई और बहन भी सरकारी कर्मचारी थे, यानी अमीर परिवार की लड़की देखकर अनुज ने उससे शादी कर ली। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये शादी भी अनुज ने झूठ बोलकर की थी, जिसका खुलासा खुद उसकी 5वीं पत्नी ने किया। पीड़ित युवती ने बताया कि अनुज ने खुद को कस्टम अफसर बताकर उससे शादी की थी, लेकिन जब पीड़ित युवती को पता चला कि अनुज पहले से ही 4 शादियां कर चुका है तो इसका विरोध करने पर आरोपी अनुज ने उसके साथ दुष्कर्म की और हत्या करने की भी कोशिश की। इसके बाद बीते साल ही पीड़िता ने चकेरी थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, लेकिन अनुज गिरफ्तार नहीं हो सका। इसी बीच पता चला कि वो किदवई नगर में रह रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार सुबह ही आरोपी को उसके घर से दबोच लिया। नगर पुलिस की थाना किदवई नगर द्वारा अनुज कठेरिया उर्फ अनुचेतन सरस्वती की गिरफ्तारी की गई है। इनकी पत्नी द्वारा 307, 377, 495 आदि धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था, जिनपे आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी पूर्व में 5 शादियां होने की बात प्रकाश में आई है। वह ये पूर्व में शाहजहांपुर जनपद से जेल भी जा चुके हैं और 2 मुकदमे वहां पे पंजीकृत थे। एक और मुकदमा थाना चकेरी से इनके खिलाफ चल रहा है। ये तांत्रिक, मौलवी, वेटर, टीचर आदि होने की बात कह करके लड़कियों को फंसाया करते थे। ये शादी की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल बनाते थे और लड़कियों से संपर्क स्थापित करते थे। ये 5 शादियां होने के उपरांत भी लगभग 30 लड़कियों से संपर्क में थे, उनसे शादी करने के लिए। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनुज ने शाहजहांपुर के निगोही में स्थित एक मंदिर में बंजारे बाबा कल्याण सेवा ट्रस्ट बनाया था और तंत्र मंत्र कर लोगों को जाल में फंसाकर आर्थिक लाभ कमाता था। 32 लड़कियों से करता था अंग्रेजी में चैट। आरोपी अनुज ने मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर लकी पांडे के नाम से अपनी झूठी प्रोफाइल बनाई हुई थी और 32 लड़कियों से अंग्रेजी में चैट करता था, जिसका रिकॉर्ड भी मिल चुका है। पुलिस की जांच में पता चला कि वो कभी खुद को टीचर बताता है तो कभी किसी होटल का मालिक। इतना ही नहीं, महज 8वीं पास अनुज खुद को BSc पास बताकर अंग्रेजी में भी चैट करता था। शादियों के शौकीन बाबा अनुज ने जितनी भी शादियां की उसकी हर बीवी की अलग ही दास्तां हैं। पहली शादी 2005 में मैनपुरी निवासी युवती से की थी, जिससे एक बेटा अंशु है। दूसरी शादी 2010 में बरेली की युवती से की थी। पुलिस की पूछताछ में दूसरी पत्नी ने बताया कि हाथ में 11 दिन का बेटा था और अनुज ने रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर उसे बेरहमी से इतना पीटा कि एक हाथ टूट गया। 11 दिन के बच्चे को लेकर वो निगोही से भागी और चौराहे पर लोगों से रुपए भीख मांगकर किसी तरह अपने घर पहुंची। तीसरी शादी 2014 में औरैया की युवती से की थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद शातर अनुज ने पत्नी की पनकी नौरैया खेड़ा कानपुर में रहने वाली चचेरी बहन को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया। 5 महीने की गर्भवती होने के बाद उसे भी छोड़ दिया, वो घर लौटी और उसने बच्चे को भी जन्म दिया, इसके बाद सुसाइड कर ली। 5 शादियां करने वाले इस फर्जी बाबा के बारे में सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। संजीव कटियार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है आपने, ऐसे ढोंगियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुभाष मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों की वजह से ही तो कुंवारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, धन्यवाद कानपुर पुलिस। शाहिद अली अंसारी ने लिखा, कहां से आते हैं ऐसे लोग। मुजम्मिल अहमद ने लिखा, अनुज जी तो रिकॉर्ड बना रहे थे। आपको बता दें कि ये बाबा सिर्फ शादियों का शौकीन ही नहीं था,
जिस तरह के आरोप उस पर लग रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये बाबा हवस का पुजारी भी था। 5 शादियों के बाद 6ठी शादी करने की तैयारी कर रहा इस बाबा अनुज ने अपने छोटे भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। छोटे भाई की पत्नी ने शाहजहांपुर के निगोही थाने में साल 2021 में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। तंत्र मंत्र के जरिए युवतियों को अपने जाल में फंसाकर शादी करने वाले इस बाबा को फिलहाल कानपुर पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है और इस वक्त वो जेल में है।